लग जाते थे, डीजे वालों के लाइन में लग जाते थे, उसी के हिसाब से मतलब ये लोग ऐसे वैसे करते थे, बहुत कुछ हरकत करते थे, डायमंड मांगते थे और भी काफ़ी खर्च करते थे। बट अभी ये क्या कर रहा है, मतलब अभी ये ट्रेंडिंग पे आ चुका है भाई, मतलब क्या बताओ। हर एक जो 9 साल के बच्चे हैं, किसी ना किसी दिन पे ऐसे मतलब हम लोग को जो है एक ना एक खबर सुनने को मिल रहा है कि बच्चे जो है मतलब सुसाइड कर रहे हैं या फिर बच्चे जो है उसके माँ को मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऐसे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो भाई मेरे को लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि एक्चुअल में ये जो गेम है, एक्चुअल में ज़्यादातर जो डाउनलोड है इस गेम का वो बच्चे ही है। और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन भी आएगा गेम के अंदर। मतलब ये जो बच्चा है इसने बोला कि मेरे को मोबाइल फ़ोन खरीद के दो, इसी के लिए इतना ज़िद पकड़ गया, इतना ज़िद है इस बच्चे में, मतलब पूरा के पूरा क्या बताऊँ। अब आप लोगों ने देख ही लिया क्या कर रहा है। एंड उसी के साथ साथ ये जो लड़का वीडियो बना रहा था, ये बोल रहा था कि अगर घर के मतलब कोई बहू आ जाए तो भी उसके लिए इतना उतना नहीं रोता, एंड अगर मम्मी का मतलब तबीयत ख़राब हो जाता है तो भी इतना नहीं रोता जितना तुम मतलब एक मोबाइल पे मतलब फ्री फायर खेलने के लिए रो रहे हो। मतलब समझ रहे हो गाइस, मतलब कितना ज्यादा एडिक्ट हो गया भाई। मामला सामने आया है, यहाँ 75,000 रुपए के कर्ज के चलते एक 17 साल के नाबालिग की हत्या कर दी गई। उस 17 साल के बच्चे का जुर्म इतना था कि उसे गेम खेलने की लत लग गई थी और अब वो कर्जा लेकर गेम खेलने लगा था। दरअसल ये मामला रायगढ़ का है, यहाँ 17 साल के। एंड अब ये जो वीडियो है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना वीडियो है, आप लोगों में से काफ़ी सारे बंदे जानते होंगे। एक बच्चा था, उसने मतलब इतना ज़्यादा गेम एडिक्ट हो गया था वो बंदा, मतलब टॉप अप करने के लिए वो अपने दोस्त से उधार लेते हैं एंड वो उधार मतलब चुका नहीं पाते, 75,000 के आसपास उधार हो गया था। तो वो जो बंदा था जिसके पास से मतलब उसके दोस्त से ले रहा था, तो उसके दोस्त ने क्या किया, इस बच्चे को मतलब शराब पिलाया एंड उसके बाद इसका हत्या कर दिया। मतलब भाई हद से ज़्यादा गिर जाओ भाई, तुम लोग हद से ज़्यादा गिर जाओ। मतलब समझ नहीं आता भाई आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों, मतलब डायमंड और ये सब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। मतलब आपके अपने माँ को मारो, उसके साथ साथ आप अपने दोस्त को भी भूल जाओ भाई। मतलब क्या बोलूँ भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ भाई। मेरे को कुछ नहीं बोलना गाइज, मेरे को और कुछ नहीं बोलना, मैं मतलब हद हो चुका है यार। मतलब ब्लैकमेल भी किए जा रहे हैं बंदों को, मतलब क्या बताऊँ गाइज, ऐसे करोगे तो भाई हो गया ख़त्म गाइज, समझो हो गया। और आप लोग जिस गेम के लिए इतना लड़ाई कर रहे हो ना, वो गेम नहीं रहेगा, ठीक है। एंड कल के वीडियो में कुछ स्पेशल आने वाला है, मैं कुछ किसी का बजाने वाला हूँ। मतलब गाइज मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है, मतलब लिटरली बताऊँ तो ऐसे भी हरकत कर रहे हैं गाइज बंदे। लोगों ने तो देखा ही, 9 साल के बच्चे मतलब पागल हो चुका है, एक तरह से बोलो तो पागल हो चुका है गेम के लिए, मतलब इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है कि क्या बताओ। हम लोग जब 9 साल के बच्चे थे, 9 साल 10 साल के बंदे थे, तब मतलब हम लोग क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेलते थे, बट ये लोग भाई गेम के लिए पागल हो रहे हैं। अगर फ़ोन नहीं है तो भी उसको गेम खेलना है भाई, लिटरली ये तो हद हो गई यार, हद पार हो गई। मतलब ऐसे मत करो यार, अब तुम्हारे मम्मी पापा इतने मेहनत से तुम्हें बड़ा करते हैं भाई ये सब करने के लिए, उसको मतलब तुम अपने मम्मी को मारोगे इसके लिए बड़ा करते हैं, वाह भाई मतलब क्या ही बताऊँ गाइस। गेम के लिए भाई खुद के मम्मी पापा को मार रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहा है भाई, क्या क्या हरकत कर रहा है, उधार लेके गेम खेलना है भाई। मतलब बंद कर दो यार, बंद कर दो प्लीज़, ये सब बंद कर दो वरना ख़त्म, टाटा बाय बाय, समझ जाओ गाइस गेम को। गेम को बैंड होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा इंडिया में, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे, बस यही था इस वीडियो के बारे में बताना था मैंने। कुछ दिन पहले जैसे पबजी बैन हुआ था उस टाइम पे फ्री फायर वाले बहुत मज़े ले रहे थे, तो पबजी वाले अब मज़े लेंगे, समझ रहे हो ना गाइस। उम्मीद है आप लोग मतलब वक्त रहे थे सुधर जाओगे, अगर नहीं सुधरना है तो मैं क्या करूँ। अभी मैं एक टीचर हूँ तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बस समझा दिया गाइस, ठीक है। मैंने बस आप मेरे वीडियो जितने बंदे देखते हैं ना, जितना छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट समझ जाओ, आप लोग समझ जाओ एंड आप अपने दोस्त को संभाल लो, आप अपने दोस्त को संभाल लो, मैं ऐसा चाहता हूँ गाइस, ठीक है। प्लीज़ ये मेरा आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्त को संभाल लो, जो भी इतना ज़्यादा गेम एडिक्ट हो चुका है ना उसको संभाल लो प्लीज़, ये मेरा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है।